लाइफ, मुझे ज़िंदगी से और मेरे आसपास ज़िंदगी में जो किरदार है, जो लोग हैं, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, फिर वो जो मैं ट्रैवल करता हूँ या कुछ पढ़ता हूँ, तो लाइफ का जो हिस्सा जितनी जितनी चीज़ें, वो बहुत इंस्पायर करता है। और सबसे बड़े ये इंस्पायर करता है कि जो चीज़ें खुशियाँ दे, जो चीज़ें लाइफ को बेहतर बनाए, जो चीज़ें लाइफ को इम्पैक्ट करे, दैट इज़ व्हाट आई कॉल्ड ग्रोथ। और ग्रोथ हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है। क्यों? हम एवरी सेकेंड ग्रो कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा आयुष्य एवरी सेकेंड बढ़ता है, तो आयुष्य सिर्फ फिजिकली नो, मेंटल और मेंटली हम इतना कुछ देखे इस दुनिया में, इतना कुछ जाने, और जो सही नहीं है उसको हो सके हमारे हिस्से में कुछ आए तो करेक्ट करे, और जो अच्छा है उसको और बढ़ाए। ये कुछ रीत जगत की ऐसी है। इसके विषय की शुरुआत करी तो हमने पहले सोचा कि हम कुछ भी ना कहें और पहले ये देखें कि इंडिया में ये कौन से स्टेट्स में ज़्यादा है, कौन से स्टेट में कम है, कितना क्या परसेंटेज, वो कहाँ से ट्रांसफॉर्म होता है। तो जो कंप्लेंस आती हैं, जिस तरह के डिवोर्सेस हुए हैं, कुछ हत्याएं हुई है, कुछ लोगों ने खुदकुशियां करी है, तो सारा डेटा हमने इकट्ठा किया, उसकी कहानियों को देखा। तो कहानियों में देखा कि एक पक्षीय मामला ही है, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को, बेटियों को प्रेशर से लेके सताने तक की घटनाएं हुई है। तो बड़ा दुख हुआ और ये लगा कि हाइला, आप किसी भी परिवार में चले जाओ, उसमें कोई पैसों की कमी नहीं है, सुख सामग्री, सुख के सारे साधन हैं, पर फिर भी वहाँ एक घर में एक लेडी तो है, माँ है, एक बहन है, एक पत्नी है, एक बहन है, बहू है, बेटी है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस प्रथा से गुजरी है और ये सबको रिलेट करता है। आज भी ये प्रथा चलती, खाली नाम बदल गए। आपको सरप्राइज इस बात की हो जाएगी कि हमने गुजरात बेस बनाया इसको, गुजरात में बहुत कम है, तो हमने लगा कि फिर भी गुजरात परिवार बना, क्योंकि हम गुजराती है, किसी को ऐसा ना लगे कि हमने ये किसी और के प्रांत के परिवार पे बनाया। और ये देखा जाए कि इतना लोगों को जब हमने बात करी, कुछ लोगों से मिले, एवरी वन सेड, और खास करके लड़कियां नहीं, लड़कों ने बात करी, आई विल नॉट मैरी लाइक दिस, नहीं नहीं भाई मुझे इसमें नहीं फंसना। बोलता क्या है कि जब मेरे परिवार वालों को मिल जाएगा जो चाहिए, वो मुझे सिर्फ अच्छी लाइफ पार्टनर चाहिए आज जीने के लिए, वो काम भी करती हो, वो समझे मेरे काम को, बाहर भी जाए, मुझे सिर्फ खाना बनाने वाली नहीं चाहिए, मुझे ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ हर जगह सोशल आउटिंग पे ये वो, मुझे कंपेनियन चाहिए मेरी ज़िंदगी जीने के लिए। ये जब आज के लड़कों ने भी बताया तो हमको रियलाइज़ हुआ कि कुछ लोग इसको सिर्फ एक प्रथा के नाम पे पुराना सोच समझे, पर ऐसा है नहीं, आज भी ये कोएग्जिस्ट करता है। और आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन सेक्रीफाइस हो जाता है, अरे नहीं नहीं आगे पढ़ा के क्या फ़ायदा है, उल्टा जो पैसा इकट्ठा किया है वो देने में काम आएगा शादी में, अरे भाई क्या कर रहे हो यार। अरे लड़की को अगर सबसे बड़ा दान देना है तो वो है ज्ञान, पढ़ाइए लिखाइए, वो जहाँ जाएगी उस परिवार का कल्याण हो जाएगा। आने वाला वक्त जो है आप समझिए टेक्नोलॉजी का है, वो टेक्नोलॉजी पढ़ी लिखी लड़कियाँ ही उसमें साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेगी। मैं सिर्फ हस्बैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सास को पता नहीं होता है, वो बहू ही ध्यान रखेगी, वो बेटी ही माँ का ध्यान रखती है, तो हर तरह से उनको पढ़ाने पे ध्यान दीजिए। तो सभी बोलते हैं तो ऐसा, मैं भी आजकल तो हमारे देश ने काफ़ी प्रगति की है, तरक्की की, यहाँ कितनी सारी लड़कियाँ पढ़ी लिखी आज यहाँ खड़ी। मुद्दा ये जो रिसर्च करने पे आया था उसमें सब पे हर जगह से हमको पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे कि इसका शो बनना चाहिए। क्यों? ये आज भी समाज में ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे एक नकाब पहने खड़ा है कि इसका नकाब निकाल कर एक अच्छा सा, एक प्रसन्न
चेहरा सामने आना ज़रूरी है और कहीं ना कहीं इसको एक अच्छी तरह से कहने की ज़रूरत है। तो हमने बहुत सुंदर लव स्टोरी के ज़रिए ये कहने की बात करी है कि इन सबसे बड़ा इमोशन क्या होता है, प्यार होता है। और हम क्या चाहते हैं कि दो प्यार करने वाले हमेशा इकट्ठा रहे। तो हमारे समाज की कुछ कुरीति है, ये दो प्यार करने वाले बहुत इतने अच्छे हैं जो सामने आएंगे, यू ऑल विल वॉन्ट देम टू लिव हैप्पीली फॉर एवर। पर कुछ कुरीतियाँ, कुछ प्रश्न ऐसे खड़े हो जाते कि दो प्यार करने वाले साथ में नहीं रह पाते, जिसका आपको दुख होगा और आपको लगेगा ये सारा बदल दो पर इनको साथ में करो। और ये है जो आपको इनके साथ लाएगा और बहुत आपको आनंद देगा। शो है कुछ रीत जगत की ऐसी है, 19 फरवरी से 10 एपिसोड देखना, दो हफ्ते तक सोनी टीवी पे 8:30 बजे। 11वां एपिसोड आपको देखने का मन न करे तो बिल्कुल मत देखेगा, और सोशल मीडिया प्लीज़ अकाउंट खोल के जो लिखना लिखेगा। मेरा दावा है अगर इतने सालों से आपने हमारा काम देखा है तो ये देखेगा, आपको बड़ा पसंद आएगा। वी हैव एक्चुअली ट्राइड टू कम इन टू योर हाउस बाई ब्रिंगिंग समथिंग फैंटास्टिक। प्लीज वॉच। विरोध का मतलब ये नहीं कुछ तोड़ दो, कुछ जला दो, कुछ अग्रेशन में कुछ लोग निकल जाए। विरोध का मतलब है कुछ गलत हो रहा है तो उसके सामने एक सही बात रखो। तो जो सही बात रखने की बात है, मैसेज हम ये देना चाहे कि अगर आपके आसपास कोई चीज़ ऐसी होती है तो उसका हिस्सा मत बनो। और जब खास करके आपका परिवार जुड़ा है और आप भी उसमें अनदेखा करके चल रहे हो, तो कम से कम अपनी बात बहुत शांति से, बहुत अच्छी तरह से आपके परिवार को ज़रूर ज़रूर कहिए कि ये गलत हो रहा है, मुझे इसका हिस्सा नहीं होना है, एंड लेट्स नॉट डू दिस। हम साथ मिलके तो कम से कम पूरी दुनिया को ना बदले, पूरे देश को ना बदले, अपने घर को तो बदल सकते। आपने इतना किया ना, हर घर में एक ने ऐसा कर लिया ना, देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। विरोध दर्शाना हमारा इसमें बहुत अच्छा किरदार है। जो हमारी हीरोइन है उसको उसके मामा किताब देते हैं पढ़ने के लिए और बोलते हैं सवाल करना कोई बुरी बात नहीं है। और अगर आपको आपके घर में कोई सवाल करता है तो उसको जवाब दो। छोटा बच्चा कितना सवाल करता है, मम्मी मैं कहाँ से आया, क्या जवाब देते उसको हम उसको पहले जब छोटा होता है तो बोलता है ना भगवान के घर से। हम उसको गलत जवाब नहीं देते पर उसको अच्छा समझा के जवाब देते। वही बड़ा होता है अपने आप समझ जाते हो कहाँ से आया। ऐसे बहुत सारे सवाल है, बच्चों की जिज्ञासा को बड़े होते उनकी बातों को अनदेखा ना करें, बहुत समझ बूझ के साथ उसको ये जवाब दीजिए। कभी कभार सवाल के जवाब देने से हमारे अपने अंदर क्लैरिटी आ जाती है, हाँ ये है। तो प्लीज़ एक मैसेज है, किसी के सवाल को दबाओ मत, ए तो चुप बैठ, तेरे को नहीं समझेगा, नेवर एवर डू दैट। क्या है भाई, शांति से जवाब दीजिए, एक दो बार में बात बहुत सही हो जाएगी, एंड इट विल मेक द एंटायर इकोसिस्टम मच मोर हैप्पियर कम्युनिकेबल। और सारे रिश्तों में जो गड़बड़ आती है ना कम्युनिकेशन की वजह से आती है, वो सुधर जाएगी कम्युनिकेशन से। सबसे बड़ा रिश्ता देख लीजिए हस्बैंड वाइफ का, कम्युनिकेशन थोड़ा बिगड़ता है हम रूठ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो आपने देखा होगा बात क्या बिगड़ती है, थोड़ी देर के बाद जब शांत होता है मन, गलत हो गया, दो में से एक सॉरी बोलता है, बात बन जाती है। तो कम्युनिकेशन, सवाल उठने दो, उसका जवाब दो, दैट्स द मैसेज।